हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था आपके पास में कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हमने अपवर्तन और परावर्तन दोनों के नियमों की व्याख्या अच्छे से समझ लिया है। तो आपके पास में हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की जो व्याख्या की थी उसमें आपके पास में कैसे कैसे नियम आए थे, दो नियम आए थे आपके पास में। पहला नियम क्या बोल रहा था कि आपके पास में आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे हमने क्या बोला था, स्नेल का नियम बोला था। उससे आगे आपके पास में सेकेंड नियम क्या आया था कि आपके पास में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। तो अब इसी क्रम के अंदर आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास में डोपलर प्रभाव। तो डोपलर प्रभाव क्या होता है ये 11th क्लास में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। एक एक पॉइंट को खोल खोल कर 11th क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि डोपलर प्रभाव क्या होता है, डोपलर प्रभाव क्या कहता है। तो अब इसको थोड़ा सा दोबारा से समझ लेते हैं, एक बार बोलते ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डोपलर प्रभाव क्या है, तो डोपलर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया है कि जब स्रोत व प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब श्रोता है, क्या है, श्रोता, जब स्रोत व प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब यहां सापेक्ष गतिशील होने का मतलब क्या है, या तो वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं या वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो आपके पास में जब स्रोत व श्रोता या प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तब श्रोता या प्रेक्षक को सुनाई देने वाली जो आवृत्ति है उसमें लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अब आपके पास में आवृत्ति में परिवर्तन किस प्रकार से होगा उसको अच्छे से समझना। जब आपके पास में स्रोत प्रेक्षक के क्या करता है, पास आता है, तो आवृत्ति के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु आपके पास में जब स्रोत प्रेक्षक से क्या होता है, दूर जाता है, तो आवृत्ति के मान में क्या होती है, कमी होती है। दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में बैठ गई होंगी कि जब स्रोत प्रेक्षक के पास आता है तो आवृत्ति के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु जब स्रोत प्रेक्षक से क्या होता है, दूर जाता है, तो आवर्ती के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो अगर इसको हम किससे समझे, तरंग धैर्य से समझे, किससे समझे, तरंग धैर्य से, तो उसको अच्छे से समझना भाई कि आपके पास में तरंग धैर्य से किस प्रकार से समझेंगे। यदि आपके पास में जो स्रोत है स्रोत प्रेक्षक से क्या होता है, पास आ रहा है, जो स्रोत है वो प्रेक्षक के क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो आवर्ती के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। आवर्ती के मान में वृद्धि होगी तो तरंग धैर्य के मान में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि 11 क्लास में मैंने आवर्ती और तरंग धैर्य के मध्य एक संबंध करवाया था। तो आपके पास में जैसे जैसे आपके पास में जो स्रोत है वो प्रेक्षक के पास आता है तो आवर्ती के मान में वृद्धि होती जाती है, परंतु आपके पास में तरंग धैर्य के मान में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। इसलिए आपके पास में जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम किसकी तरफ विस्थापित होता है, नीले रंग की तरफ विस्थापित होता है, क्योंकि प्रिज्म के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास में यहां क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है, और सबसे नीचे कौन सा होता है, बैंगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। तो अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में जैसे तरंग धैर्य के मान में कमी होगी तो आपके पास में जो स्पेक्ट्रम है वो किसके, कौन से रंग की तरफ विस्थापित होगा, बैंगनी रंग की तरफ विस्थापित होगा। परंतु हम यहाँ पे बैंगनी रंग नहीं लेंगे, कौन सा रंग लेंगे, नीले रंग की तरफ क्या होता है, विस्थापित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। उससे आगे आपके पास में यदि आपके पास में जो क्या है,
स्रोत है वो प्रेक्षक से क्या होता है, दूर जाता है, तो आवृत्ति के मान में क्या होती है, कमी होती है। जब आवृत्ति के मान में कमी होती है तो तरंग दैर्ध्य के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि होगी तो स्पेक्ट्रम किसकी तरफ विस्थापित होगा, लाल रंग की तरफ क्या होता है, विस्थापित होता है, जिसे क्या कहते हैं, लाल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल विस्थापन कहते हैं। तो आपके पास में दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसको लिखना कैसे है उसको अच्छे से समझ लेना। तो लिखेंगे कैसे इसको, डोपलर नामक वैज्ञानिक के अनुसार के अनुसार जब स्रोत एवं प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब यहां श्रोता है, स्रोत व प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं तब प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आवृत्ति में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। तब प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आवृत्ति में लगातार परिवर्तन होता है, तो अब आपके पास डोपलर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया है, जब स्रोत व प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तब आपके पास में प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आवृत्ति में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इससे आगे अच्छे से समझना कि जब स्रोत क्या होता है, प्रेक्षक की ओर गतिशील होता है तो आवृत्ति के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां लिखेंगे जब स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिशील होता है, तब आवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु जब आपके पास में स्रोत प्रेक्षक से क्या होता है, दूर जाता है, तो यहां लिखेंगे परंतु जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, तब आवृत्ति के मान में क्या होती है, कमी होती है। तब आवृत्ति के मान में कमी होती है जिसे क्या कहते हैं, डोपलर प्रभाव कहते हैं, तो डोपलर प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके पास में डोपलर प्रभाव किसे कहते हैं आप अच्छे से समझा सकते हो। अब इससे आगे अच्छे से समझना, अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य की, तो आपके पास में किस प्रकार से क्या परिवर्तन होगा उसको अच्छे से समझना। अभी मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास में स्रोत
प्रेक्षक की ओर क्या होता है, गतिशील होता है, तो आवर्ती के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु तरंग दैर्ध्य के मान में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए जो स्पेक्ट्रम है वो कौन से रंग की तरफ विस्थापित होता है, नीले रंग की ओर विस्थापित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नीला विस्थापन कहते हैं। तो यहां एरो का निशान लगाकर लिखेंगे जब स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिशील होता है, गतिशील होता है, तब आवर्ती के मान में वृद्धि होती जाती है, तब आवर्ती के मान में वृद्धि होती है या होती जाती है, परंतु तरंग दैर्ध्य के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो यहां लिखेंगे परंतु तरंग दैर्ध्य के मान में कमी होती है, तरंग दैर्ध्य के मान में कमी होती है, तरंग दैर्ध्य के मान में कमी होगी तो आपके पास में जो स्पेक्ट्रम है कौन से रंग की तरफ विस्थापित होगा, नीले रंग की तरफ विस्थापित होता है। इसलिए स्पेक्ट्रम नीले रंग की तरफ विस्थापित होता है, नीले रंग की तरफ विस्थापित होता है, जिसे नीला विस्थापन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नीला विस्थापन कहा जाता है। तो नीला विस्थापन की डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हो। अब सेकंड बात क्या है आपके पास में, कि जब जो स्रोत है वो प्रेक्षक से क्या होता है, दूर जाता है, तो आवर्ती के मान में क्या होती है, कमी होती है, परंतु तरंग दैर्ध्य के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए जो स्पेक्ट्रम है वो कौन से रंग की तरफ विस्थापित होता है, लाल रंग की तरफ विस्थापित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, लाल विस्थापन कहा जाता है। तो सेकंड एरो का निशान लगाकर क्या लिखेंगे, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, प्रेक्षक से दूर जाता है, तब आवर्ती के मान में कमी होती है, तब आवर्ती के मान में कमी होती है, परंतु किसके मान में वृद्धि होती है, तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि होती है, परंतु तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। इसलिए स्पेक्ट्रम कौन से रंग की तरफ विस्थापित होता है, लाल रंग की तरफ विस्थापित होता है, इसलिए स्पेक्ट्रम लाल रंग की तरफ विस्थापित होता है, लाल रंग की तरफ विस्थापित होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, लाल विस्थापन कहते हैं, जिसे लाल विस्थापन कहते हैं। तो नीला विस्थापन और लाल विस्थापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डोपलर प्रभाव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डोपलर प्रभाव 11th क्लास में आपने पढ़ा था, एक बार वहां देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहां पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो डोपलर प्रभाव कंप्लीट हो गया। अब इससे अगला जो टॉपिक है वह आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है भाई,
डेफिनेशन ही पूछी जाएगी कि आपके पास में कला संबंध स्रोत व कला असंबंध स्रोत किसे कहते हैं। डेफिनेशन को अच्छे से समझना, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो उससे आगे आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में कला संबंध स्रोत व कला असंबंध स्रोत। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, टॉपिक आपके पास में कला संबंध स्रोत तथा कला असंबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत। तो आपके पास में कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत क्या होता है, डेफिनेशन आरबीएससी 12th बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से समझना भाई। सबसे पहले मैं आपको कला संबंध और कला असंबंध स्रोत समझाने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणुओं के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके क्या करते हैं, उच्चतम कक्षाओं के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, पदार्थ को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले निम्न कक्षा में है, फिर ऊर्जा ग्रहण करके किससे, ऊष्मा ग्रहण करके क्या करते हैं, उच्च कक्षाओं के अंदर चले जाते हैं। परंतु ये उच्च कक्षाओं के अंदर तो चले जाते हैं, परंतु वहां पे ज्यादा समय के लिए रुकते नहीं है, वहां 10^-8 सेकंड तक ही रुकते हैं। उसके पश्चात अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में आना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके पास सोचने की बात है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर गया है तो वापस आएगा तो ऊर्जा का क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है। तो जैसे ही वो अपनी प्रारंभिक कक्षा में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और यह ऊर्जा हमें प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके क्या करते हैं, उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, और जैसे ही उच्च कक्षा से अपनी प्रारंभिक कक्षा में आते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो हमें प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। अब आपके पास में टॉपिक आता है कला संबंध तथा कला असंबंध स्रोत। डेफिनेशन ध्यान से सुनना भाई, कला संबंध स्रोत की डेफिनेशन क्या होगी, कि आपके पास वह प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों, जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है, या आपके पास में सभी तरंगें क्या होती हैं, समान कला में होती हैं, या फिर आपके पास में जो कलांतर है वो समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, उसके कलांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, कला संबंधी स्रोत कहते हैं। डेफिनेशन समझ में बैठी होगी कि वह प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, या फिर समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, उसे क्या कहते हैं, कला संबंधी स्रोत कहते हैं। इसका उदाहरण आपके पास में यंग का द्विस्लिट प्रयोग, तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग आगे हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। तो उससे आगे आपके पास में अगला है कला असंबंधी स्रोत। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना, वह प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो शून्य नहीं होता है, समान कला में नहीं होती है,
उनमें जो कालांतर है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, कला असंबंधित स्रोत कहते हैं। इसका साधारण सा उदाहरण देखें तो सूर्य से, जो सूर्य है कला असंबंधित स्रोत है, मोमबत्ती से जो प्रकाश होता है वो भी आपके पास में कला असंबंधित स्रोत ही मानेंगे मोमबत्ती को, बल्लब से जो आपके पास में बल्लब है, बल्लब भी क्या है आपके पास में कला असंबंधित स्रोत है। तो सूर्य, मोमबत्ती तथा बल्लब क्या है आपके पास में कला असंबंधित स्रोत है। तो अब आपके पास में इसको लिखेंगे कैसे उसको अच्छे से समझना भी। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, यहां लिखेंगे, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं। तो इस बात को अच्छे से समझना कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, गर्म किया जाता है तब उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं। परंतु ये उच्च कक्षा के अंदर ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते हैं, कितने समय के लिए रुकते हैं, 10^-8 सेकंड तक ही रुकते हैं, फिर वापस अपने प्रारंभिक कक्षा में क्या होते हैं, आना स्टार्ट कर देते हैं। उससे आगे क्या लिखेंगे, उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं तथा जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी प्रारंभिक कक्षा में, तथा जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में आते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में आते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो आपके पास आगे क्या लिखेंगे, अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में आते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह ऊर्जा हमें प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो यह ऊर्जा हमें प्रकाश तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, प्रकाश तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। अब आपके पास में टॉपिक क्या है, आपके पास में कला संबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत। अब इनकी क्या करनी है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे कला संबंध स्रोत, टॉपिक आपके पास में कला संबंध स्रोत। तो कला संबंध स्रोत किसे कहेंगे, कि वह प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगे क्या होती हैं, समान कला में होती हैं, या उनके मध्य कलांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है, या जो कलांतर है वो समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, उसे क्या कहते हैं, कला संबंधित स्रोत कहते हैं। उदाहरण क्या होगा, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में हम अगली कक्षा के अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसको अच्छे से समझना भाई, किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो आपके पास में इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे
उत्सर्जित तरंगों, उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर, तरंगों के मध्य कालांतर शून्य होता है तथा या समान होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा कालांतर का मान समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है। तथा कालांतर का मान समय के साथ नियत रहता है, नियत रहता है, क्या कहलाते हैं, कला संबंधी स्रोत कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो कला संबंध स्रोत की डेफिनेशन आपको समझ में बैठ गई होगी कि कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है या समान होता है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उस प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लिखेंगे, यंग का द्युस्लिटे प्रयोग, यंग का द्युस्लिटे प्रयोग। अब आपके पास में सेकंड टॉपिक आता है कला असंबंध स्रोत। तो सेकंड टॉपिक आपके पास में कला असंबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत क्या होगा, डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो, ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित तरंगों के मध्य जो कालांतर है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, कला असंबंध स्रोत कहते हैं। तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर, उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, क्या कहलाते हैं, कला असंबंध स्रोत कहलाते हैं, कला असंबंध स्रोत कहलाते हैं, कला असंबंध स्रोत कहलाते हैं। तो कला असंबंध स्रोत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे आपके पास में इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उनको अच्छे से समझना। आपके पास में जो मोमबत्ती है वो क्या है, आपके पास में कला असंबंध स्रोत है। बल्लभ है वो क्या है, आपके पास में कला असंबंध स्रोत है। जो सूर्य है वो भी क्या है, आपके पास में कला असंबंध स्रोत है। तो इसके उदाहरण हम लिखेंगे, सूर्य मोमबत्ती और बल्लभ, ये क्या है, आपके पास में कला असंबंध स्रोत है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कला संबंध स्रोत व कला असंबंध स्रोत। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कला संबंध स्रोत व कला असंबंध स्रोत। तो अब इसी क्रम के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत, और अध्यारोपण का सिद्धांत भी 11 क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो अब आपके पास में टॉपिक क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत।
अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, 11th क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अब आपके पास में जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में संचित होती हुई किसी बिंदु के ऊपर क्या होती है, मिलती है या अध्यारोपित होती है, तब उस बिंदु पर परिणामी तरंग का जो विस्थापन है सभी तरंगों के विस्थापन के सदिशों के क्या होता है, समान होता है। ये मैंने 11th क्लास में आपको अच्छे से समझाया था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। वहां ध्वनि तरंगों के लिए था, यहां हम किसकी तरंगों की बात करेंगे, प्रकाश तरंगों की बात करेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम के अंदर संचरित होती हुई किसी बिंदु के ऊपर क्या करती हैं, मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तब आपके पास में परिणामी तरंग का जो विस्थापन है सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको अच्छे से समझना, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती है या अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है, तब परिणामी तरंग का जो विस्थापन है परिणामी तरंग का विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है, समान होता है। सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, कि आपके पास में दो या दो से अधिक क्या है, प्रकाश तरंगे हैं, किसी माध्यम के अंदर संचरित होती हुई किसी बिंदु के ऊपर क्या करती हैं, मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तब आपके पास में जो परिणामी तरंग आगे जो निकलेगी उस तरंग का जो विस्थापन है सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है, समान होता है। मानव आपके पास में दो या दो से अधिक कितनी दो तरंगे हैं जिनका विस्थापन मान लेते हैं आपके पास में y1 और y2 है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन कितना होगा, इसके नीचे हम लिख सकते हैं, माना दो तरंगे जिनका विस्थापन y1 तथा y2 है, तब
परिणामी विस्थापन क्या होगा भाई अध्यारोपण के सिद्धांत से, जो ये जो तरंगे इनके विस्थापन के सदिश होते क्या होगा, समान होगा। तो परिणामी जो विस्थापन होगा वो y1 प्लस में y2 के सदिश योग के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ पे n तरंगे लेंगे तो आपके पास में कितना होगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस में y2 प्लस में डैश डैश करके कितना हो जाएगा, प्लस में yn हो जाएगा। तो ये किसके लिए आ गया, n तरंगों के लिए आ गया। तो ये हो गया आपके पास में अध्यारोपण का सिद्धांत, ये पढ़ा हुआ है अपना 11th क्लास में। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है व्यतिकरण। ये इसकी डेफिनेशन तो हमने कहां पढ़ ली थी, 11th क्लास में पढ़ ली थी, जब मैंने आपको विस्पंद पढ़ाया था, विस्पंद पढ़ाया था तभी आपको व्यतिकरण के बारे में बताया था। तो आप यहां पढ़ेंगे व्यतिकरण, इसका पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक आपके पास में व्यतिकरण, व्यतिकरण। अब आपके पास में व्यतिकरण क्या होगा उसको अच्छे से समझना भाई। तो आपके पास में व्यतिकरण की डेफिनेशन 11th क्लास में मैंने आपको समझाई थी कि जब दो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में संचित होती हुई किसी बिंदु के ऊपर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो जो परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग का आयाम किसी स्थान के ऊपर क्या होता है, अधिकतम होता है, और किसी स्थान के ऊपर आयाम का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इस पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में बैठ गई होगी कि जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे समान दिशा में संचित होती हुई क्या करती है, किसी बिंदु के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो किसी स्थान पर अधिकतम होता है और किसी स्थान के ऊपर क्या होता है, न्यूनतम होता है। इस पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब आपके पास में जो व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। इनके बारे में अभी हम आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले व्यतिकरण की डेफिनेशन को हम किस प्रकार से लिखेंगे उसको अच्छे से समझना। लगभग दो समान आयाम व समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे समान दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो यहां लिखेंगे प्रकाश तरंगे समान दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तब परिणामी तरंग का जो आयाम होता है, किसी बिंदु पर क्या होता है, न्यूनतम होता है।
आयाम किसी बिंदु पर अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम होता है। किसी बिंदु पर न्यूनता में होता है। इस पुनर्वितरण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, कि आपके पास में जब लगभग दो समान आयाम व समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे समान दिशा में संचित होती हुई किसी बिंदु के ऊपर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तब आपके पास में परिणामी जो तरंग है उसका आयाम किसी बिंदु के ऊपर क्या होगा, अधिकतम होगा, और किसी बिंदु के ऊपर क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो इस पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पे आपके पास में आयाम का मान क्या है, अधिकतम है, और यहाँ पे आयाम का मान क्या है, न्यूनतम है। इस पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब इससे आगे व्यतिकरण जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो यहां लिखेंगे व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, पहला है आपके पास में समकोसी व्यतिकरण। पहला कौन सा है आपके पास में, समकोसी व्यतिकरण। तो समकोसी व्यतिकरण क्या होगा, अच्छे से इसको समझना भाई, क्योंकि समकोसी और विनाशी के अंदर जरा सा ही अंतर है। समकोसी व्यतिकरण क्या होगा कि जब आपके पास में दो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे समान कला में संचरित होती हुई एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तब आपके पास में परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, या परिणामी तरंग का जो आयाम है दोनों तरंगों के आयाम के योग के क्या होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं आपके पास में, उसे बोलेंगे समकोसी व्यतिकरण। दोबारा से डेफिनेशन को सुनना कि जब दो लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे समान कला में एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तब आपके पास में परिणामी तरंग का जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयाम के क्या होता है, योग के समान होता है, या परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, जिसे क्या कहते हैं, समकोसी व्यतिकरण कहते हैं। या फिर इसको इस ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास में समकोसी दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके मध्य कलांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है, या कलांतर 2π का पूर्ण गुणज होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोसी व्यतिकरण कहते हैं। दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इसको लिखेंगे कैसे, उसको अच्छे से समझना। जब दो लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे समान कला में
एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तब परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तब परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, तथा परिणामी जो आयाम है दोनों तरंगों के आयाम के योग के क्या होता है, समान होता है। परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयाम के समान होता है, आयाम के योग के समान होता है, आयाम के योग के समान होता है, योग के समान होता है, जिसे समकोसी व्यतिकरण कहते हैं, जिसे समकोसी व्यतिकरण कहते हैं। तो समकोसी व्यतिकरण की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब दो लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें समान कला में एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, दोनों की दिशा क्या है, समान है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, तथा जो परिणामी आयाम है दोनों तरंगों के आयाम के योग के क्या होता है, समान होता है। माना आपके पास में दो तरंगे हैं जिनका एक का आयाम A1 है और दूसरी का कितना है, A2 है, तो आपके पास में जो परिणामी आयाम होगा R वो कितना होगा, दोनों तरंगों के आयाम के योग के समान होगा, अधिकतम होगा, दोनों तरंगों के आयाम के योग के क्या होगा, समान होगा। तो अब अगला है आपके पास में विनाशी व्यतिकरण। तो सेकंड टॉपिक आपके पास में विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या है उसको अच्छे से समझना। जब दो लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे विपरीत कला में एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तब परिणामी आयाम का जो परिणामी तरंग है उसका आयाम क्या होता है, न्यूनतम होता है। जो परिणामी आयाम है दोनों तरंगों के आयाम के अंतर के क्या होता है, समान होता है। यहां योग के समान है, वहां किसके समान होगा, अंतर के समान होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, इसको देखते हैं अभी। जब दो लगभग समान आयाम वह समान आवर्ती, वह समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे, की प्रकाश तरंगे विपरीत कला में एक दूसरे पर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। अब यहां पे ध्यान देना भाई, इसके अंदर तो आपके पास में दोनों की कला क्या है, समान है, परंतु यहां पे एक ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है, दोनों क्या है, विपरीत कला में है, प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, विपरीत कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तब परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तब
परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होता है, न्यूनतम में होता है, तथा परिणामी जो आयाम है दोनों तरंगों के आयाम के अंतर के क्या होता है, समान होता है, तथा परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयाम के अंतर के समान होता है, आयाम के अंतर के समान होता है, के समान होता है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मान लिया आपके पास में दो तरंगे हैं जिनका आयाम आपके पास कितना है, A1 और A2 है, तो आपके पास परिणामी जो आयाम होगा कितना होगा भी आपके पास में, R बराबर हो जाएगा आपके पास में A1 माइनस में A2। ये विस्पंद के अंदर 11th क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो ये हो गया आपके पास में व्यतिकरण। अगली क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपके पास में व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषणात्मक हल। तो अब इस टॉपिक जो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, इन टॉपिकों के अंदर आपको कहीं भी जरा सी भी आपको मतलब कि कमी महसूस होती है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, तो उनको दोबारा से समझा दिया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।